हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर। तो आज हम आपसे बात करेंगे क्लेविकल बोन के बारे में। तो देखिए, हमारी चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसका नाम है ऑल बोन्स ऑफ बॉडी, जिसके अंदर हमने सारी की सारी बोन्स जो भी बॉडी के अंदर मेन मेन होती है, ह्यूमरस, स्केपुला, इसके अलावा फीमर, मतलब जो भी मेन बोन्स होती है उन सबका एकदम चार्ट फॉर्म में, मतलब हर बोन का एक चार्ट है। तो इन सब की वीडियो जो हमने बोला सारी बोन्स की, वो सारी की सारी वीडियो आपको मिलेगी उस प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का नाम है ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी। तो देखिए, आज हम बात करेंगे क्लेविकल बोन की, और इस बोन का भी हम पूरा का पूरा एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, और उस चार्ट के अंदर ये सारी की सारी क्लेविकल बोन कवर हो जाएगी, मतलब उस चार्ट से बाहर आपको कुछ याद नहीं करना है। तो वही तो आपको पता होगा कि क्लेविकल बोन को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके टू पार्ट कौन से होंगे? एक होगा इसका शाफ्ट वाला पोर्शन, और एक होगा इसका एंड वाला पोर्शन, एंड्स। तो देखिए, वही अज्यूम कीजिए, ये पेन क्या है, दिस इज़ क्लेविकल। तो वही ये बीच वाला पूरा का पूरा शाफ्ट होगा, और एक होगा इसका लेटरल एंड, एक होगा इसका मीडियल एंड। ओके, तो शाफ्ट शाफ्ट होगा और एंड होगा। अब देखिए, हम शाफ्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन से होंगे शाफ्ट के? एक होगा लेटरल 1/3, तो एक होगा इसका लेटरल 1/3 पोर्शन, और एक होगा इसका मीडियल 2/3। तो अब लेटरल 1/3 होगा एक, और एक होगा मीडियल 2/3। अब देखिए, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मीडियल को लेटरल को 2/3 क्यों नहीं बोला और मीडियल को 2/3 क्यों नहीं बोला। अब देखिए यार, बहुत ही कॉमन सी बात है, आप कॉमन सेंस लगाइए। अज्यूम कीजिए हमारे पास ये दो स्केपुला, सॉरी दो क्लेविकल है, दो ही तो होती है, एक दिस इज़ फॉर राइट साइड और दिस इज़ फॉर लेफ्ट साइड। ओके, तो ये दो क्लेविकल बोन्स है। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे स्टर्नम होगी, मीडियल साइड दोनों के दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पे ये स्टर्नम होगी, और इस साइड क्या होगा, इस साइड हमारा अपर लिम्ब होगा, और इस साइड भी क्या होगा, हमारा अपर लिम्ब होगा। तो ये है इसके एनाटॉमिकल पोजिशन। ओके, अब देखिए, अगर मैं शाफ्ट को लेटरल 2/3 में डिवाइड करता, तो देखिए ये लेटरल पोर्शन है, ये मीडियल पोर्शन है, दिस इज लेटरल एंड एंड दिस इज मीडियल एंड। अब मैंने इसको लेटरल 2/3 मतलब लेटरल साइड ज़्यादा कर दिया, तो मैंने इसको यहाँ पर बैलेंसिंग किया। अब यहाँ पे बैलेंसिंग किया, अब बेसिकली ये वाला लेटरल एंड है, तभी तो ये लेटरल 2/3 हुआ। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे अपर लिम्ब, यहाँ पे कहीं अपर लिम्ब होगा, लेटरल एंड अपर लिम्ब को ही तो बियर करता है, तो यहाँ पे अपर लिम्ब होगा। अगर यहाँ पे अपर लिम्ब होगा और अपर लिम्ब पे हमने कोई भी भारी वेट लगा दिया, तो स्केपुला के फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखिए ना, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे, लेटरल 2/3 और मीडियल 1/3 पे। अगर यहाँ पे हमने हमने लेटरल को 2/3 माना, तो इसके टूटने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखिए ना, लेटरल साइड इतना वाला इतना सारा पोर्शन निकला हुआ है, और इस एंड पे अपर लिम्ब झुका हुआ है, तो इसके सॉरी क्लेविकल के टूटने के चांस ज़्यादा होंगे। अब हमने जो कि यहाँ पे लिखा है कि लेटरल को 1/3 कर दिया और मीडियल को 2/3 कर दिया, अब बहुत ही कॉमन सी बात है, तो ये लेटरल एंड है, ये मीडियल एंड है। अब हमने क्या किया, लेटरल साइड को तो 1/3 कर दिया, जो कि हमने नीचे लिख रखा है, और मीडियल साइड को 2/3 कर दिया। अब हमने हमारा मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब तो ये मान लिया। अब देखिए, बहुत कॉमन सी बात है, अगर यहाँ पे अपर लिम्ब अटैच है लेटरल एंड से, आपको पता हो तो लेटरल एंड ऑफ स्केपुला, एंड मतलब लेटरल एंड बोल दीजिए या एक्रोमियन एंड बोल दीजिए, तो इससे अपर लिम्ब अटैच होगा। अब देखिए, यहाँ पे अपर लिम्ब को हमने बियर किया, यहाँ पे अपर लिम्ब लटका, तो इससे इसके क्लेविकल के फ्रैक्चर के चांस कम होंगे, मतलब फ्रैक्चर तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन क्लेविकल ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी जब हम लेटरल 1/3 लेंगे और मीडियल 2/3 लेंगे। ओके, तो देखिए यही रीज़न है कि अगर हमने लेटरल को 2/3 कर दिया, तो इसकी ये कम रिलैक्स फील कर रही है, मतलब इसके टूटने के चांस ज़्यादा है क्लेविकल के। अगर हमने लेटरल को 1/3 कर दिया, तो टूटने के चांस कम है, तो यही रीज़न है कि लेटरल 1/3 होता है और मीडियल 2/3 होता है। तो देखिए, इसे रटो मत, बच्चे क्या है बहुत सी बार फ्लो में बोल जाते हैं, एग्जामिनर आया, बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया और जल्दबाजी में क्या बोल दिया, लेटरल को 2/3। तो यार, हमने पूरा क्लियर कर दिया है कि लेटरल को 2/3 नहीं बोलना है। ओके, तो देखिए यहाँ भी चार्ट बनेगा,
तो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। अब देखिए हम शाफ्ट के दोनों पॉइंट को यहाँ पे लाते हैं, तो इसका पहला पॉइंट था हमारा लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। अब देखिए लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, देखिए ये होता है फ्लेट, ओके अब ये फ्लेट होता है। अब देखिए कोई चीज़ फ्लेट है, जैसे कि फ्लेट को, जैसे कि अभी नीचे जो चीज़ रखी है ये भी फ्लेट है, तो फ्लेट के कुछ नहीं होगा, एक होगा एंटीरियर बॉर्डर, एक होगा इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, ओके। मतलब कोई भी चीज़ फ्लेट होती है तो उसका होगा दो बॉर्डर, दो सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस, ओके। तो देखिए इसका लेटरल एंड होता है फ्लेट। अब देखिए अज्यूम कीजिए ये इरेजर एकदम फ्लेट है, इसे फ्लेट बोल सकते हैं। तो देखिए फ्लैट है तो बेसिकली इसका एक एंटीरियर बॉर्डर होगा, एक पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर होगा तो इन दोनों बॉर्डर के ऊपर की साइड क्या होगी, दिस इज सुपरफिशियल सरफेस, और इसके नीचे की साइड क्या होगी, दिस इज इन्फीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। तो देखिए कन्फ्यूजन मत होना, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर तो बॉर्डर है और सुपीरियर और इन्फीरियर क्या है, सरफेस है। सुपीरियर को बॉर्डर मत बोल देना, इन्फीरियर को बॉर्डर मत बोलना, क्यों, क्योंकि कॉमन सी बात है, फ्लैट चीज़ है तो उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर तो बॉर्डर होगा और सुपीरियर और इन्फीरियर क्या होगी, सरफेस होगी। तो वह वही अगर फ्लैट है तो इससे हमारे दिमाग में क्या आया कि इसके होंगे टू बॉर्डर, इसके टू बॉर्डर होंगे और इसके टू ही सरफेस होंगे। अब इसके टू बॉर्डर कौन से होंगे, एक होगा इसका एंटीरियर बॉर्डर, ओके, और एक होगा इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। टू सरफेस कौन सी होगी, एक होगी इसकी सुपीरियर सरफेस, एक होगी इसकी इन्फीरियर सरफेस, ओके। अब देखिए दो बॉर्डर दो सरफेस हो गए। अब देखिए इनके थोड़े से कॉमन सेंस वाले पॉइंट पढ़ते हैं कि इनमें और इन बॉर्डर सरफेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, लेटरल 1/3 की। तो देखिए लेटरल जो बॉर्डर होता है, कौन सा एंटीरियर बॉर्डर, कौन सी साइड वाला, लेटरल 1/3 वाला, वो क्या होता है, कॉनकेव होता है, देखिए ये कॉनकेव होता है। कैसे, देखिए आप इसे खुद फील कर सकते हैं, मैंने कॉनकेव लिखा तो आप अपनी क्लेविकल पे जाइए कोई से भी साइड पे, और वहाँ पे जो लेटरल 1/3 है उसका एंटीरियर बॉर्डर को फील कीजिए, वो आपको कॉनकेव दिखेगा, ओके। ये रटने का नहीं है, कॉम आप अप्लाई करके देख सकते हैं। और जो बेसिकली, अब यार एंटीरियर कॉनकेव होगा तो कॉमन सी बात है, पोस्टीरियर क्या होगा, कॉन्वेक्स, ओके। तो इसे भी आप फील कर सकते हैं, आप अपने क्लेविकल को अज्यूम कीजिए, हाथ लगा के देख लीजिए, हैंड टू हैंड अभी सारा क्लियर हो जाएगा, ओके। अब एंटीरियर साइड है तो बेसिकली ये कहाँ होगा, ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जो एंटीरियर बॉर्डर होता है इस पे क्या अटैच होती है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ इसके क्लेविकल पे, इससे अटैच होती है हमारी डेल्टोइड मसल, ओके। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है उससे कौन अटैच होती है, ट्रेपीजियस। अब देखिए बंदे के कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि डेल्टोइड को आगे बोले पीछे बोले, अब कॉमन सी बात है, ये रबर क्या है, दिस इज क्लेविकल, ये क्लेविकल है। अब देखिए आपको पता हो तो आगे क्लेविकल होती है, पीछे क्या होती है, स्केपुला, तो ये पेंसिल क्या है, दिस इज स्केपुला। अब देखिए डेल्टोइड क्या है, दिस इज शोल्डर, शोल्डर बनाती है ना। अब देखिए डेल्टोइड आपको पता हो तो दिस इज डेल्टा शेप, मतलब ट्राइंगल डेल्टा शेप होती है। अब देखिए डेल्टोइड को मुझे अटैच करना है ऐसे, पूरा का पूरा ऐसे यू शेप में, ऐसे कैसे, इस शेप में पूरी की पूरी डेल्टोइड अटैच होती है। अब ये कैसे होगी, देखिए कुछ नहीं होगा, ये क्लेविकल है तो इसका एंटीरियर बॉर्डर भी आएगा, पोस्टीरियर नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि अगर पोस्टीरियर कर दिया तो, क्योंकि अगर पोस्टीरियर साइड क्या होगी, ट्रेपीजियस, अगर हमने पोस्टीरियर अटैच करा दिया तो क्या ट्रेपीजियस इसके ऊपर होके निकलेगी, अज्यूम कीजिए ना, अगर मैंने पोस्टीरियर साइड डेल्टोइड अटैच करा दी, ये डेल्टोइड अटैच करा दी, अब क्या ट्रेपीजियस इसको पियर्स करेगी, क्या नहीं करेगी ना, कॉमन सी बात है, अगर तो इसको पियर्स नहीं करेगी, ओके। अब देखिए अगर मैंने डेल्टोइड को आगे अटैच करा दिया तो आराम से ट्रेपीजियस इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे अटैच हो सकती है।
हो सकती है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर डेल्टोइड पीछे थी तो तब प्रॉब्लम थी, क्यों? क्योंकि अगर डेल्टोइड पोस्टीरियर बॉर्डर पे करा दी तो ट्रेपीजियस को एंटीरियर बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, कॉमन सी बात है, तो क्या इसको पियर्स करेगी? नहीं ना। मतलब आप अज्यूम कर लीजिए कि डेल्टोइड एंटीरियर साइड ही होगी और ट्रेपीजियस पोस्टीरियर साइड ही होगी, ये भी रटने का नहीं है, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो समझ जाएंगे। सरफेस दो होती है, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। अब सुपीरियर का सबको पता है, आप खुद फील कर सकते हैं कि ये क्या होती है, सब क्यूटेनियस। तो आप अभी खुद हैंड टू हैंड फील कर लीजिए ताकि आपको ये रटना ना पड़े। तो दिस इज सब क्यूटेनियस, ओके। और जो इन्फीरियर होती है, इन्फीरियर सरफेस, तो देखिए इन्फीरियर सरफेस पे मेनली टू लैंडमार्क होते हैं। एक होता है इसमें एक एलिवेशन, इन्फीरियर सरफेस पे एक एलिवेशन होगा और एक रिज होगी। एलिवेशन कुछ नहीं, एक पॉइंट मतलब उभार सा होगा, पॉइंटेड उभार सा होगा। रिज मतलब लंबी सी कोई चीज होगी। तो एलिवेशन, जो एलिवेशन होता है उसको बोलते हैं कोनोइड ट्यूबरकल। ओके, तो एलिवेशन को बोलेंगे कोनोइड ट्यूबरकल और जो रिज होगा उसे बोलेंगे ट्रेपेजोइड रिज, ट्रेपीजोइड रिज। तो एलिवेशन हुआ कहाँ पे? इन्फीरियर सरफेस पे, तो उसे बोलेंगे कोनोइड, एलिवेशन कोनोइड ट्यूबरकल। रिज को बोलेंगे ट्रेपेजोइड रिज। और देखिए इन दोनों से कौन अटैच होता है, देखिए ना, उभार क्यों हुआ? बोन थी, कोई लिगामेंट अटैच हो गया, लिगामेंट अटैच हो गया, उसने बोन को खींचा। लिगामेंट्स क्या होते हैं, मसल्स के लास्ट वाले पार्ट तो होते हैं, तो उसने बोन को खींचा, बोन को खींचा तो बोन का सम पार्ट उभर गया, और सम पार्ट उभर गया तो उसे क्या बोल दिया हमने, ट्यूबरकल बोल दिया। तो इससे एक लिगामेंट अटैच होता है जिसको बोलते हैं हम कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेको क्लेविक्यूलर। अब बहुत ही कॉमन सी बात है, कोरेको मतलब कोरेकोइड प्रोसेस। कोरेकोइड प्रोसेस कहाँ होता है? स्केपुला पे। स्केपुला का कोरेकोइड प्रोसेस हमें कहाँ मिलेगा? क्लेविकल के लेटरल एंड वाले साइड, या फिर क्लेविकल के लेटरल पार्ट में। तो कॉमन सी बात है ना, कोरेको क्लेविकुलर ही होगा। ओके, स्टर्नम तो नहीं बोल सकते क्योंकि स्टर्नम मीडियल साइड होती है, और हम बात कर रहे हैं अभी लेटरल पार्ट की। तो इन दोनों से अटैच होता है हमारा कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, तो हमारा पूरा का पूरा लेटरल वन थर्ड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लेविकल। तो देखिए अब बात करते हैं मीडियल टू थर्ड। ओके, तो पूरी क्लेविकल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो मीडियल टू थर्ड। अब देखिए ये तो होता है फ्लैट और ये होता है, तो देखिए जो मीडियल टू थर्ड होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल। अब इससे हम क्या समझे? इससे हम समझे कि मतलब हमारे क्लेविकल कहाँ है, तो हमारे क्लेविकल ये हैं। तो देखिए हमने इस रबर को क्या माना था, दिस इज फ्लैट। अब देखिए मैंने इसके ऊपर एक और रबर रख दिया, तो बेसिकली अब एंटीरियर साइड वाला बॉर्डर बॉर्डर नहीं रहा, पोस्टीरियर साइड वाला बॉर्डर बॉर्डर नहीं रहा, तो अब वो भी क्या बन गए, वो बॉर्डर भी सरफेस बन गए हैं। तो देखिए अब इसमें क्या होगी, इसमें होगी हमारे पास चार सरफेसेस। चार सरफेसेस कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग है इसके अंदर होगी फोर सरफेसेस, और इन फोर सरफेसेस से फोर मसल्स अटैच होती हैं। तो फोर सरफेसेस होगी, अब चार सरफेस कौन सी होगी, वही एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो इसकी चार सरफेस को देखते हैं, एक होगी इसकी एंटीरियर सरफेस, एक होगी इसकी पोस्टीरियर सरफेस, एक होगी इसकी सुपीरियर सरफेस, एक होगी इसकी इन्फीरियर सरफेस। ओके, तो दीज फोर सरफेसेस। ओके, अब देखिए एंटीरियर सरफेस आपको बहुत ही कॉमन सी बात है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो क्लेविकल होती है ना बेसिकली कुछ ऐसे होती है। यहाँ पे मैं राइट क्लेविकल का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखिए ऐसे मतलब इसमें क्या दो कर्वेचर होते हैं ऐसे। ये दिस इज क्लेविकल, किस साइड की है? दिस इज राइट साइड की क्लेविकल। इसके एनाटॉमिकल पोजिशन, दिस इज लेटरल, दिस इज मीडियल, दिस इज एंटीरियर और दिस इज पोस्टीरियर। ओके, और इसको हम कहाँ से देख रहे हैं, दिस इज द सुपीरियर व्यू ऑफ क्लेविकल। अब देखिए हमने लिखा था कि लेटरल वन थर्ड, तो देखिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये एक यहाँ से लाइन खींची, ये क्या है, इस लाइन से दिस इज लेटरल वन थर्ड एंड दिस इज मीडियल टू थर्ड। ओके,
तो ये दो बार डिवाइड कर दिया। अब देखिए जो लेटरल वाला है एंटीरियर पोर्शन दिस इज कॉनकेव दिख ही रहा है, पोस्टीरियर साइड कॉन्वेक्स दिख ही रहा है। अब देखिए जो देखिए अब देखिए यहाँ पे मीडियल का जो एंटीरियर वाला पार्ट है, मीडियल 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 टू थर्ड का एंटीरियर वाला पार्ट आपको क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स। तो दिस इज कॉन्वेक्स, कहाँ पे है कॉन्वेक्स, फॉरवर्ड। तो दिस इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, बहुत ही कॉमन सी बात है। ओके तो देखिए ना ये मीडियल टू थर्ड है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड दिख रहा है। उसके बाद देखिए जो एंटीरियर सरफेस है इससे अटैच होती है हमारी पेक्टोरेलिस मेजर। पेक्टोरेलिस मेजर मसल होनी भी चाहिए ना, दिस इज द मसल ऑफ कहाँ पे होती है, थोरेक्स के आगे फ्रंट साइड होती है। अब फ्रंट साइड होगी मतलब एंटीरियर साइड होती है, तो कौन सी होगी, पेक्टोरिस मेजर। माइनर नहीं है, कन्फ्यूजन मत होना। और देखिए पेक्टोरिस मेजर मतलब बहुत सारी जगह से अटैच होती है, ये क्लेविकल से भी अटैच होगी, ये स्टर्नम से भी अटैच होगी। ओके तो ओनली फॉर इसका क्लेविकुलर हेड, क्लेविकल से है तो क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरिस मेजर अटैच होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल वन टू थर्ड से। पोस्टीरियर साइड कौन सी होगी, स्टर्नोहायोड, स्टर्नो हायोड। अब देखिए बहुत ही कॉमन सी बात है यार, यहाँ पे खुद बोल रही है मसल, स्टर्नो मतलब स्टर्नम। ओके देखिए ना जो इसके क्लेविकल के दो एंड होते हैं, एक लेटरल एंड होगा एक मीडियल एंड होगा। मीडियल एंड को क्या बोलते हैं, मीडियल एंड को बोलते हैं हम स्टर्नल एंड, मतलब क्या कि वह स्टर्नम से अटैच होता है। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है उससे अटैच होती है स्टर्नो हायोड मसल। हायोड बोन कहाँ होगी, ऊपर होगी नेक रीजन में, थोड़ी ऊपर होती है टंग के जस्ट नीचे और स्टर्नम के जस्ट ऊपर। तो स्टर्नम टू हायोड एक मसल अटैच होती है और ये मसल क्लेविकल से भी अटैच होती है। क्लेविकल पे कहाँ से, पोस्टीरियर सरफेस से। सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर पे अटैच होती है हमारी स्टर्नोक्लिडो मैस्टोइड मसल। तो इससे अटैच होगी स्टर्नोक्लिडो मैस्टोइड मसल। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, ये खुद मसल बोल रही है कि मैं कहाँ कहाँ से अटैच हूँ। तो देखिए एक तो ये अटैच होगी स्टर्नम से, क्लिडो मतलब क्लेविकल से, मतलब क्या स्टर्नम और क्लेविकल साथ साथ ही तो नीचे होते हैं, तो इसका एक एंड अटैच होगा स्टर्नम और क्लेविकल दोनों से, जबकि इसका ऊपर वाला पोर्शन अटैच होगा मैस्टोइड प्रोसेस से। आपको पता हो तो स्कल में होते हैं ना स्टाइलोइड प्रोसेस, मैस्टोइड प्रोसेस, तो आप इसे हेड एंड नेक में पढ़ेंगे कि मैस्टोइड प्रोसेस के अटैचमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए आपको यहाँ भी क्लियर हो गया कि मैस्टोइड मसल, मैस्टोइड प्रोसेस से एक मसल अटैच होती है जिसका नाम है स्टर्नोक्लिडो मैस्टोइड। ओके और यहाँ पे क्यों पढ़ा, क्योंकि क्लिडो मतलब क्लेविकल, क्योंकि ये मसल क्लेविकल से भी अटैच है और कहाँ से, सुपीरियर से। सुपीरियर से क्यों, क्योंकि ये मसल बेसिकली इसको जाना कहाँ है, ऊपर जाना है स्कल में जाना है, तो सुपीरियर बॉर्डर पे ही होगी। और इन्फीरियर साइड एक मसल अटैच होती है जिसका नाम है सब क्लेवियस मसल, मतलब खुद ही बोल रही है सब मतलब नीचे किसके, क्लेविकल के, क्लेवियस मतलब क्लेविकल के, तो क्लेविकल के नीचे मतलब इन्फीरियर सरफेस, तो सब क्लेवियस मसल। देखिए ये सारी मसल्स ही है, ओके पेक्टोरिस मेजर मसल्स। ओके तो ये चार मसल्स, फोर, ये फोर मसल्स, फोर फोर सर्फेसेस। ओके अब देखिए जो इसका इन्फीरियर साइड है ना, क्लेविकल की जो इन्फीरियर साइड है, इन्फीरियर सर्फेस है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका यूज हम साइड डिटर्मिनेशन में करते हैं कि किस साइड की क्लेविकल है किस साइड की नहीं है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको टोटल तीन पॉइंट, तीन पॉइंट कैन से, तीन पॉइंट होंगे इसका। सबसे पहला पॉइंट होगा ओवल इम्प्रेशन, इसके इन्फीरियर साइड एक ओवल इम्प्रेशन होता है। ओके कहाँ पे होगा, एट द मीडियल एंड, ओवल इंप्रेशन एट मीडियल एंड। ओके मीडियल एंड साइड इसका एक ओवल इंप्रेशन होता है, मीडियल टू थर्ड के भी मीडियल साइड। ओके अब देखिए वो ओवल इंप्रेशन है, तो मैंने वही बोला ना कि कोई लिगामेंट अटैच हुआ मस बोन से और उसने बोन को खींचा, खींचने पे क्या हुआ, बोन का थोड़ा पार्ट उभर गया, और उस उभरे हुए पार्ट को क्या बोल दिया, कुछ जगह उसको ट्यूबरकल बोलते हैं, कुछ जगह उसको इंप्रेशन बोलते हैं, मतलब हर जगह अलग अलग है, साइज की, साइज पे डिपेंडेंट करता है कि वो उभार कितना बड़ा है कितना छोटा है। ओके तो बड़ा को, बड़े के लिए कुछ और बोल देते हैं, छोटे के लिए कुछ और बोल देते हैं। तो इससे अटैच होता है हमारा कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टो क्लेविक्यूलर। अब देखिए ना यार बहुत ही सिंपल सी बात है, कोस्टो मतलब,
कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज मतलब वही, तो कोस्टो क्लेविकुलर, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, तो ये अटैच होता है इसके इन्फीरियर सरफेस पे, एक ओवल इम्प्रेशन होता है। उसके बाद देखिए इन्फीरियर सरफेस के लेटरल हाफ में, ये है इसका सेकेंड पॉइंट। मतलब क्या कि जो इसकी इन्फीरियर सरफेस थी ना, तो देखिए दिस इज इन्फीरियर सरफेस, इसके भी इस लेटरल पार्ट में इन्फीरियर, ये पूरी की पूरी मिडिल टू थर्ड है, मिडिल टू थर्ड का भी लेटरल हाफ। ओके, लेटरल हाफ भी किसका, इन्फीरियर सरफेस का। तो इस पे क्या होती है, एक ग्रूव होती है, इस पे एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, और उस ग्रूव को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल सबक्लेवियन ग्रूव। देखिए इसका यूज हम करते हैं इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन बताने में, कि यह किस साइड की, किस साइड की क्लेविकल है। तो इसमें होती है लॉन्गिट्यूडिनल सब क्लेवियन ग्रूव। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए सब क्लेवियन ग्रूव होती है, जो कि होती है लॉन्गिट्यूडिनल, और इससे अटैच होती है बेसिकली सब क्लेवियस मसल। ओके, तो देखिए बेसिकली सब क्लेवियस मसल कहाँ, हमने यहाँ पे देखा कि इन्फीरियर सरफेस पे सब क्लेवियस मसल अटैच होती है, बट इन्फीरियर पर भी कहाँ से, इन्फीरियर सरफेस में भी, इन्फीरियर सरफेस तो बहुत बड़ी है, उसमें भी कहाँ अटैच होती है, सब क्लेवियन ग्रूव पे अटैच होती है सब क्लेवियस मसल। तो देखिए कन्फ्यूजन मत होना, ये दोनों एक ही बात है। यहाँ पे हमने जनरल बताया कि इन्फीरियर सरफेस पे सब क्लेवियस होती है, और यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया कि इन्फीरियर पे भी कहाँ पे होती हैं, तो सब क्लेवियस मसल। ओके, और जो सब क्लेवियन ग्रूव होती है, अब देखिए कोई ग्रूव है तो ग्रूव के, ग्रूव पर तो अटैच है सब क्लेवियस मसल, और देखिए जो ग्रूव की मार्जिन्स होती है, मार्जिन्स मतलब ग्रूव के किनारे, उन पे अटैच होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और देखिए क्लेवी पेक्टोरल फेशिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेशिया, इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पियर्स करती है, इस पे क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू पूछा ही जाता है। तो देखिए क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, इसका भी हमारा एक सेपरेट वीडियो है। तो सब क्लेवियन ग्रूव, इसके बारे में हम एक और पॉइंट लिख रहे हैं कि जो सब क्लेवियन ग्रूव होती है, इसको रेड से कर देते हैं, इसकी जो मार्जिन्स होती हैं, सब क्लेवियन ग्रूव की मार्जिन्स, इस पे क्या अटैच होता है, इस पे अटैच होता है हमारा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। थोड़ा तो कम हाईलाइट हो रहा है, तो इसकी मार्जिन्स पे अटैच होगा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है ना, कोल मतलब दिस इज सिफेलिक वेन, ओके, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, लेटरल पेक्टोरल नर्व, और एल से क्या होता है, लिम्फ नोड्स। तो ये चारों, काल मतलब क्या है, ये चारों के चारों क्या है, दीज आर, ये चारों स्ट्रक्चर्स है जो कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती है, सिफेलिक वेन है, नॉट बेसिलिक। ओके, तो देखिए इसका एक सेपरेट वीडियो है, और उसमें हमने एकदम कॉन्सेप्चुअल बता रखा है कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया क्या है, इसके कंटेंट क्या है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इसे पियर्स करती हैं। तो ये हो गया, ओके, मार्जिन्स हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट, हमने बोला था ना कि इन्फीरियर सरफेस पे हमें तीन पॉइंट बताने हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, अब हम बताएंगे आपको थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट में हम बताएंगे न्यूट्रिएंट फोरामेन के बारे में, कि जो इसका इन्फीरियर सरफेस होती है ना, उसी पे होता है न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन मतलब जो कि इस बोन को ब्लड सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट। अब बेसिकली ये कहाँ होता है, देखिए जो ये न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है वो लेटरल एंड ऑफ दिस ग्रूव, मतलब क्या कि जो सबक्लेवियन ग्रूव है इसमें होगी, यहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव होती है उसके भी लेटरल साइड, तो इस साइड मतलब सबक्लेवियन ग्रूव के भी लेटरल साइड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट फोरामेन, तो ये कहाँ होगा, लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव। ओके, जो सबक्लेवियन ग्रूव है उसके भी लेटरल एंड पे प्रेजेंट होता है हमारा न्यूट्रिएंट फोरामेन। और बेसिकली जो ब्रांच इस न्यूट्रिएंट फोरामेन के अंदर इंटर करती है, या फिर यूँ बोल दीजिए जो बा जो जो आर्टरी, या फिर जो आर्टरी इस न्यूट्रिएंट फोरामेन के अंदर इंटर करती है, उसका नाम है ब्रांच ऑफ सुप्रा स्केपुलर आर्टरी।
तो दिस इज़ द ब्रांच ऑफ, मतलब ये इस क्लेविकल को ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्रांच ऑफ सुप्रा क्लेविकुलर आर्टरी। देखिए जब स्टार्टिंग में बच्चा बेबी डेवलप होता है तो उसको बोन्स को ब्लड चाहिए ना, तभी तो कैल्शियम उसमें डिपॉजिट होगा, तभी तो वो डेवलप होगी। तो उसको जो कैल्शियम देने के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, तो ये आर्टरी जाती है कहाँ पे, हमारी क्लेविकल बोन के अंदर। तो देखिए हमने जो शाफ्ट वाला है, शाफ्ट वाला मीडियल टू थर्ड का भी पूरा पोर्शन कर लिया, मतलब क्या हमने पूरे की पूरी शाफ्ट को कवर कर लिया है कि शाफ्ट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। अब देखिए एक, अब सेकंड पॉइंट आता है एंड्स का। देखिए एंड्स के लिए कुछ नहीं, बस एक मिनट का काम है। एंड्स कुछ नहीं, आपको हमने बता ही दिया था कि इसके जो क्लेविकल होती है, ये कौन सी क्लेविकल बता रहा हूँ मैं, पहले एंड लिख देते हैं। एक होता है इसका लेटरल एंड, ओके, और एक होता है इसका मीडियल एंड, ओके। लेटरल एंड को या तो लेटरल बोल दीजिए, या फिर इसी का दूसरा नाम है, स्लेस लगा देते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्रो। एक्रो मियल एंड बोल दीजिए, ओके। मीडियल बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए इसको एक्सटर्नल एंड, ओके, एक्सटर्नल एंड, ओके। तो एंड्स हो गए, लेटरल लेटरल साइड मतलब क्लेविकल होगी ना, सॉरी स्केपला होगी। स्केपला में किससे अटैच होता है, एक्रोमियन प्रोसेस से। देखिए ये कोरेकोइड प्रोसेस से अटैच नहीं होती है, क्लेविकल कोरेकोइड प्रोसेस से अटैच नहीं होती है, मतलब सी सी से अटैच नहीं होती है, सी ए से अटैच होती है। मीडियल एंड बोल दीजिए या बोल दीजिए एक्सटर्नल एंड, एक्सटर्नल होगा भी सही, मीडियल साइड एक्सटर्नल ही होती है। अब देखिए एक्रोमियन एंड है, तो देखिए इससे एक लिगामेंट अटैच होता है, और नाम क्या होगा, एक्रोमियन प्रोसेस टू क्लेविकल, तो एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। इस साइड कौन सा होगा, स्टर्नम टू क्लेविकल, तो इस साइड जो लिगामेंट होगा उसको बोलेंगे स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा एंड्स। तो देखिए हम एक बार इसको स्पीडली देख लेते हैं कि हमने क्या क्या मैटर बताया है। तो देखिए लेटरल एंड कुछ याद नहीं करना, दो चीज़ें याद कर लेना, एक डेल्टोइड अटैच होती है, एक होती है ट्रेपीजियस। डेल्टोइड कहाँ से, एंटीरियर बॉर्डर से, और ये कहाँ से अटैच होगी, पोस्टीरियर बॉर्डर से। मीडियल साइड कुछ याद नहीं करना, मतलब याद तो सब करना है, मतलब स्पीडली देख रहे हैं हम, ओके। तो इससे ये चारों मसल्स रट लेना कि कौन सी कहाँ पे है, चार सरफेस चार मसल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार मसल्स हो गई। उसके बाद देखिए हमने एक क्या बताया, सबक्लेवियस, तो सबक्लेवियस ये वाली यही है, एक ही बात है, ओके। तो कुछ नहीं, चार दो छः, छः मसल्स याद करनी है, फोर क्लेविकल। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्लेविकल हो गया। तो पूरा का पूरा क्लेविकल का देखिए, आपको जो हमने पीछे बनाया है ना, पीछे वाला, इसको भी आपको यहाँ पे ले आना, आगे आगे की साइड ले आना, ताकि आपको सारा का सारा क्लेविकल एक पेज के अंदर मिल जाए, ओके। तो इसके बाद हम बताएंगे क्लेविकल बोन की एनामलीज, मतलब एनामलीज तो नहीं, मतलब इसके क्लिनिकल्स, कि क्लेविकल जो भी इसका डेवलपमेंट होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बंदे में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे क्लिनिकल्स।